इंजील उर्दू तर्जमे के साथ। इंजील अरबी ज़बान में, ज़बूर तर्जमा उर्दू। मूसा अलैहि सलाम की तौरेत अरबी में है, इसका उर्दू और फ़ारसी तर्जमा। माशाल्लाह, ये दारुल उलूम देवबंद की कदीम और बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ बहुत नायाब और कीमती किताबें रखी हुई हैं। यहाँ तौरेत, ज़बूर, इंजील, इसी तरीके से हिंदुओं की किताबें और दीगर मज़ाहिब की किताबें यहाँ रखी हुई हैं। लोग इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों के पास खतूत भेजा करते थे और उनको दावत दिया करते थे। उनमें से बहुत से खतूत दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी में मौजूद है। उनमें से एक ख़त यह है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से लिखा हुआ है। ये इसका उर्दू तर्जमा भी है, पूरी तफसीलात इसमें लिखी हुई हैं। ये भी एक ख़त है और इस ख़त की फ़ोटो और पूरी तफसीलात उर्दू में इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ इस लाइब्रेरी में बहुत सारे कुरान करीम रखे हुए हैं जो अलग अलग अंदाज़ में लिखे हुए हैं। ये हज़रत शेख़ुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख़त है जो उन्होंने माल्टा की जेल से अपने घर वालों को लिखा था। ये ऊँट के शाने की हड्डी पर कुरान करीम लिखा हुआ है, उसकी फ़ोटो है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर थी उसका भी फ़ोटो है।
ये कुरान करीम है, ये बहुत अनोखे अंदाज़ में लिखा हुआ है। ये कुरान करीम ऐसे अंदाज़ में लिखा हुआ है कि इसकी हर सतर अलिफ से शुरू होती है। ये हज़रत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम को जो किताब दी गई थी इंजील, उसका उर्दू तर्जमा है। ये इंजील अरबी ज़बान में है। हज़रत दाऊद अलैहि सलातु वस्सलाम को जो किताब दी गई थी ज़बूर, उसका ये उर्दू तर्जमा है। हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम को जो किताब दी गई थी तौरेत, ये अरबी ज़बान में तौरेत है और इसका जो है उर्दू और फ़ारसी में तर्जमा है। ये हिंदू धर्म की मुख्तलिफ किताबें हैं ऋग्वेद उर्दू ज़बान में। इसी तरीके से और भी बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं मनुस्मृति हिंदी ज़बान में। रामायण वाल्मीकि उर्दू ज़बान में। ये रामायण तुलसीदास उर्दू ज़बान में।
ठीक है।